नमस्कार, जयपुर मैं हूं मनवर खान, एमएस मीडिया एंड पब्लिसिटी से। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि जयपुर में हम लोग आपके लिए विद्याधर नगर स्टेडियम में एशियाड सर्कस लेकर आए हैं लगभग 4 साल बाद। और बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि हम 4 साल बाद आप सभी के लिए एक बार फिर से एशियाड सर्कस लेकर आ पाए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 घंटे के शो में हमने पूरी कोशिश की है कि हम आपको एंटरटेन कर सकें। 2 घंटे के शो में बहुत सारे आइटम ऐसे हैं, जब आप देखेंगे तो आपको दांतों तले उंगली दबाना मजबूरी हो जाएगा आपकी, क्योंकि शायद आपने ये सारे एक्ट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ 2 घंटे के शो को मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा 2-5 मिनट में। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने सिर्फ टीवी पर देखी होंगी, और वो टीवी पर देखते हैं तो उससे पहले उनके काफ़ी सारे रीटेक होते हैं, काफ़ी सारी एडिटिंग होती है, लेकिन वही शो वही आइटम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे बिल्कुल 1 टाइम में लाइव देखने को मिलेगा, जो कि 1 टेक में हमारे आर्टिस्ट करते हैं। उसके अलावा रशियंस, अफ्रीकन्स, हमारे जोकर्स, ये आप सभी को हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो आप घर से निकलिए, आज हमारा ओपनिंग शो है 8 बजे, उसके बाद डेली हमारे 3 शो होंगे। पहला शो दिन में 2 बजे चलेगा, दूसरा शाम को 5 बजे और तीसरा रात को 8 बजे। इस सर्कस में क्या स्पेशल है? वही मैं आपसे बता रहा था सर कि 2 घंटे का शो है, हर एक चीज़ अपने आप में स्पेशल है, क्योंकि आप जब शो देखना स्टार्ट करेंगे तो पहला आइटम आप जब देखेंगे तो आपको अपने आप में स्पेशल लगेगा, आपको लगेगा यार बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन जब जैसे ही दूसरा आइटम आएगा आपको लगेगा यार पहले वाले से शायद ये दूसरा वाला ज़्यादा बेस्ट है। तो 2 घंटे के शो में आपको क्या चीज़ पसंद आएगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि 2 घंटे के शो में काफ़ी सारे आइटम ऐसे हैं जो आपको मतलब बहुत एंटरटेनिंग लगेंगे, बहुत स्पेशल लगेंगे। वो आप ही डिसाइड कर पाएंगे 2 घंटे के शो में देख के कि आपको क्या अच्छा लगा। मेरे हिसाब से तो पूरा 2 घंटे का शो बहुत ज़बरदस्त है। इस सर्कस में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम? जी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सर हमारे पास फायर टैंकर है जो आग बुझाने की पूरी गाड़ी है। उसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम है, जो टैंक आप देख रहे हैं, सिलेंडर, फायर सिलेंडर जिनको हम कहते हैं। उसके अलावा सीसीटीवी कैमराज हमने हर तरफ चारों तरफ लगाए हैं, पार्किंग एरिया में, कैंटीन जोन में, अंदर रिंग सिस्टम में, पब्लिक के एंट्रेंस सिस्टम पे, सब जगह हमने सिक्योरिटी सिस्टम लगाया हुआ है। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके अलावा हमारा अंदर जो पूरा टेंट सिस्टम है वो फायर और वाटरप्रूफ दोनों है, इसलिए आपको सिस्टम के लिए सिक्योरिटी सिस्टम की हमने पूरी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को सिक्योरिटी दी जाए। और क्या यहाँ पर क्या प्राइस रहेगा? यहाँ पर सर हमने पब्लिक की सुविधा के लिए 3 टिकट कैटेगरीज रखी हैं, जो स्टार्ट होती है 150 रुपये से। पहला टिकट प्राइस 150 रुपये है, दूसरा 250 रुपये है, और तीसरा सबसे ज़्यादा जो है वो 400 रुपये है। तीनों में ही अंतर है, आगे पीछे का फ़र्क है। 400 रुपये वाला सबसे फ्रंट में है, 250 रुपये वाला बीच में है, और 150 रुपये वाला जो है वो सबसे लास्ट में है। और कुछ स्टूडेंट के लिए क्या है? अभी वैसे तो स्कूल्स बंद हैं, लेकिन 1 तारीख के आसपास स्कूल खुल जाएंगे। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि कोई स्कूल अगर पूरा हमारे पास आता है 500, 700, 800 बच्चों का, तो हम लोगों ने उनके लिए फ्लैट रेट रखी है जो 100 रुपीज़ है। हमारा जो मिनिमम टिकट चार्ज है 150 रुपये, उसमें भी हमने 50 रुपये डिस्काउंट करके स्टूडेंट्स के लिए 100 रुपीज़ जो चार्ज रखा है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा। उसका एज ग्रुप मायने नहीं रखता, बस स्कूल आएगी, स्कूल अपने हिसाब से बच्चों को बिठाती है, छोटे बच्चे अपने हिसाब से, उसके बाद बड़े, उसके बाद बड़े। तो स्कूल के लिए मिनिमम से मिनिमम जो चार्जेस हमने प्रोवाइड कराने की कोशिश की वो 100 रुपीज़ है। कब तक प्रोग्राम चलेगा? ये सर 1 महीने के लिए हम लोगों ने ग्राउंड बुक कराया, 21 जुलाई तक हम आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। और 21 जुलाई के बाद, 21 जुलाई के बिटवीन अगर हमें लगेगा आप लोगों का प्यार मिलेगा और पब्लिक का रिस्पॉन्स मिलेगा, तो हो सकता है कि शायद इसको 5-7-10 दिन बढ़ाया भी जा सके। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।